हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. वी विल स्टार्ट टुडे द क्लास 7 इंग्लिश मीडियम एंड सब्जेक्ट सोशल साइंस. एंड आवर आवर टॉपिक इज असेसमेंट 3. वी आर सॉल्व द असेसमेंट 3 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन आंसर. तो सबसे पहले देखते हैं, हम यहाँ पर मैचिंग्स हैं. मैं दो कॉलम्स, फर्स्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट में है पट्टू, तो पट्टू का आंसर है जहांगीर. ठीक है, जहांगीर ने इसको जो है वो एक सिस्टम दिया था. उसके बाद में सूबेदार, सेकंड. सेकंड का आंसर है प्रोविनिकल गवर्नर्स. उसके बाद में थर्ड है मनसोबदरी सिस्टम, ये दिया था अकबर ने. और उसके बाद में फोर्थ नंबर है हल्दीघाटी, जो कि महाराणा प्रताप से रिलेटेड से. और फिफ्थ है बहलोल लोधी. बहलोल लोधी ये जो लोधी डायनेस्टी है उसका जो मतलब बहलोल लोधी ने ही लोधी वंशज की स्थापना की थी. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंस. तो सबसे पहले क्वाद अल इस्लाम मॉस्क्यू इज एट, कहाँ पर है ये, ये मस्जिद कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है. उसके बाद में द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, इसका आंसर है 73 मीटर. उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में है, आगरा में है, हम्पी में है, एटसेट्रा. उसके बाद पिलग्रमेज टाउन्स है ना, जो पिलग्रमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तो ये नगर कहाँ पर है, यह है तंजौर में. उसके बाद में कमर्शियल टाउन्स जो कि कोलकाता, सतना और सहारनपुर में स्थित है. नेक्स्ट वी गोइंग टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, नेम सम टाउन्स फेमस फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्रॉप्स, है ना, हमें कुछ नगरों के नाम बताना है जो कि उनके क्राफ्ट्स, क्राफ्ट का मतलब होता है शिल्प के लिए वो प्रसिद्ध है. तो इसका आंसर हम देखते हैं. चलिए आंसर हम देखते हैं. तो फर्स्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, नेम ऑफ सम टाउन्स फेमस फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्राफ्ट्स. तो इसमें है, इसमें सबसे पहले ढाका है, कासिम बाजार है, मालाबार, उसके बाद में गोलकोंडा और मसलीपट्टनम, ये सारे जो है वो अपने शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है. सेकंड वन क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाई वाज सूरत कॉल्ड द गेटवे ऑफ द ट्रेड विथ वेस्ट एशिया. जो सूरत है उसको द्वार क्यों कहा गया है, ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार का, और वो भी साउथ एशिया है ना, सॉरी वेस्ट एशिया का, उसको व्यापार का द्वार क्यों कहा गया है, इसका आंसर हम देखते हैं. चलिए देखते हैं, सूरत वॉज कॉल्ड द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया बिकॉज ऑफ द गल्फ ऑफ ऑर्मस्ट विच कनेक्टेड विथ सेवरल कंट्रीज. देखिए, सूरत को दरवाज़ा कहा गया है, व्यापार का दरवाज़ा, और वो भी वेस्ट एशिया का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जो महत्वपूर्ण गल्फ जो कंट्रीज़ है वो सीधे कनेक्ट हो जाती है सूरत से, हमारे देश से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ट्रेडिंग टाउन्स. ब्रीफ मतलब संक्षेप में हमको समझाना है ट्रेडिंग टाउन्स के बारे में. ट्रेडिंग मतलब व्यापार और टाउन्स मतलब नगर, तो नगरीय व्यापार के बारे में हमको समझाना. आंसर देखते हैं हम. चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर, इंडिया हैज सेवरल ट्रेडिंग टाउन्स. भारत में बहुत सारे कई ट्रेडिंग टाउन्स हैं. द मैड्रेंट्स लिविंग इन दैम ग्रुप्ड थेम्सिल्प इन श्रोनीज और गिल्ड्स विच हेल्प टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड ट्रेड. मतलब भारत में बहुत सारे ट्रेडिंग टाउन्स हैं और ये जो है ये ग्रुप में है ना, ये सारे जो होते हैं ये ग्रुप में है और ये काफ़ी मदद करते हैं दूसरे जो व्यापार होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में, उनके उत्पादन में और व्यापार में मदद करते हैं. सम फेमस ट्रेडिंग टाउन्स आर ढाका, इसमें ढाका जो कि आज़ादी के पहले की बात बता रहे हैं, ढाका, मुसलीपट्टनम, हम्पी और सूरत, कन्नौज, ये सारे क्या है, ये सारे भारत के ट्रेडिंग
टाउन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलते हैं। लिस्ट सम मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय शाहजहां। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक, तो शाहजहां ने कौन कौन से स्मारक बनाए हैं इसके बारे में आपको बताना है। देखते हैं आंसर हम, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर। शाहजहां बिल्ड ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एटसेट्रा। तो शाहजहां ने कौन कौन से स्मारक बनाए, ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया और जामा मस्जिद बनाई। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेम सम मॉन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। आपको कुछ स्मारक का नाम बताना है जो कि सल्तनत पीरियड के समय के दौरान ये बने थे। देखते हैं हम इसका आंसर, चलिए देखते हैं फिफ्थ नंबर का। नेम ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड्स आर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है, कुवातुल इस्लाम का की मस्जिद है, अदाई दिन का झोपड़ा है और मौत की मस्जिद, उसके बाद में अलाल दरवाज़ा है और अलाई मीनार है। ये सारे सल्तनत पीरियड के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेयर डिड दिलवारा टेम्पर कहाँ पर स्थित है। देखिए बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, एंड फर्स्ट वन इज़ माउंट आबू कौमा राजस्थान। तो ये दोनों जगह पर जो है वो दिलवारा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स। हमें डिफरेंस बताना है नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन टेम्पल के बीच में। तो हम आंसर देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेवन का। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन, द नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर बिल्ड इन नागरा स्टाइल। जो नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो नागरा स्टाइल में बने हुए, वाइल द साउथ इंडियन टेम्पल्स आर बिल्ड इन द्रविडियन स्टाइल। जबकि जो साउथ इंडियन टेम्पल्स है वो द्रविडियन स्टाइल में बने हैं। यही है इसमें महत्वपूर्ण अंतर। क्वेश्चन नंबर हम एट की ओर चलते हैं अब। यस, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर एट। डिस्क्राइब द बृहदादेश्वर टेम्पल्स इन योर ओन वर्ड्स। देखिए अपने को जो बृहदादेश्वर मंदिर है उसके बारे में अपने को अपने शब्दों में उसको व्यक्त करना है। देखते हैं इसका आंसर हम। यस, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर, बृहदादेश्वर टेम्पल इज ए लोकेटेड एट तंजोर। कहाँ पर स्थित है ये, तंजोर में स्थित है। दिस वॉज बिल्ड बाय राजा चोल इन 11th century। किसने बनाया था इसको, इसको बनाया था राजा चोल ने, और ये 11th century में। इट हैज़ द टॉलेस्ट नोन विमाना, ये सबसे ऊंचा है और इसको विमाना नाम से जाना जाता है। लगभग 66 meters ये टॉल है। द इनर वॉल ऑफ द टेम्पल आर कर्व्ड विथ फ्रेस्कोस। इसकी जो अंदर की दीवारें हैं उस पर बहुत सारे चित्र बने हैं, फाइन स्कल्पचर्स, उसके बाद में बहुत ही बारीक उस पर स्कल्पचर किए गए हैं। ठीक है ना, स्कल्पचर का मतलब कि बहुत सारे लेख लिखे गए हैं उसके बाद में। एंड द इंस्क्रिप्शंस दैट प्रोवाइड्स हिस्ट्रिशियंस विथ वैलेबल इंफॉर्मेशन। और इसके अंदर जितने भी जो शिलालेख है जो दीवारों पर लिखा गया है उसके द्वारा हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर चलते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट आर द टेम्पल टाउन्स क्या है, हाउ डिड दे डेवलप, और इन्हें कैसे डेवलप किया जाता है इसके बारे में हम देखते हैं आंसर। चलिए देखते हैं, टेम्पल टाउन आर पिलग्रिमेज सेंटर्स। जो टेम्पल टाउन होते हैं वो जो तीर्थ यात्रा होते हैं उनका सेंटर होता है। द टेम्पल इन दिस टाउन्स वॉज सेंट्रल इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। ये जो टेम्पल होते हैं, ये टेम्पल टाउन्स, ये सेंट्रल होते हैं, केंद्र होते हैं किसके, इकोनॉमी के और साथ में सामाजिक के, है ना, समाज के। दे आर डेवलप बाय किंग्स, इन्हें कौन बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये राजाओं के द्वारा बनाया जाता है। बाय बिल्डिंग टेम्पल्स टू डेमोंस्ट्रेट देयर डिवोशंस टू वेरियस डिटेल्स। और उसके बाद में इनका प्रदर्शन किया जाता है, डेमोंस्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन, देयर डिवोशन, है ना, डिवोशन मीन्स भक्तिभाव, और वेरियस डिटेल्स, और बहुत सारी हमें इनसे जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो टेम्पल टाउन्स होते हैं वो आध्यात्मिक केंद्र होते हैं,
इकोनॉमिक केंद्र होते हैं, सामाजिक होते हैं, इनसे हमें भक्ति भावना हमारी जुड़ी होती है और उसके साथ में हमें इनसे बहुत सारे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, है ना, बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम। चलिए देखते हैं अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। विच सिटी वॉज इम्पोर्टेंट स्पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स, मतलब हमें वो सिटी का नाम बताना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी अपने पोर्ट व्यापार, है ना, अपने जिसको हम बोलते हैं ना कि सामान एक जगह से दूसरे जगह भाई समुद्र के द्वारा पहुँचाना एंड ट्रेडिंग और व्यापारिक मुगल पीरियड्स के अंतर्गत। तो इसके आंसर हम देखते हैं और उसका आंसर है सूरत। तो सूरत एक ऐसी सिटी थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, किसके लिए, एक तो ट्रेडिंग के लिए और पोर्ट के लिए। ठीक है, थैंक यू।